औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हज पर जो मुस्लिम भाई तमाम दुनिया से जो जा रहे हैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि सूरह हज या सूरह हज में या आप जो है कुरान में जो आयतें मिलेंगी सब्र के बारे में कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने कहा मैं सब्र वाले के साथ हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जो है तुम नमाजी हो, तुम रोज़ा रखते हो, नहीं, सिर्फ सब्र वाले के साथ कहा, फ़र्ज़ों से हट के। तो सब्र का जो है इम्तिहान लेगा हाजी से, सिर्फ इस्लाम में है ये बात। और मैं ये नई बात दे रहा हूँ आपको, आपको सब्र नहीं सिखाया गया हिंदुज़म में, आपको सब्र नहीं सिखाया गया क्रिश्चियनिटी में। इसकी एक ख़ास खुलासा वाली बात यह है कि अगर आप चाइनीज़ मूवी देखेंगे, वो लोग खुदा को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन उनकी पूरी फिल्में एक्शन की होगी, कराटे, निंजा, इस तरह के नए वेपन्स जो हथियार बनते हैं न्यूक्लियर के हिसाब से, इस तरह की मूवीज होंगी। ये इक्वालिटी की बात करने वाला कम्युनिज्म है, शैतान है। हिंदू शैतान है। बॉलीवुड के अंदर आप देखेंगे मारधाड़, लड़ाई झगड़ा और रेप, और उसका असर आज एक हफ्ते में कई खिस्से सामने है। सिर्फ एक हफ्ते की बात करूं मैं, इंडिया में एक मिलिट्री वाले को 64 इयर्स के मुसलमान को मार दिया गया, और एक केस पूरे खानदान को मार दिया गया। वो फिल्मी जैसे मूवी में बताते हैं, ट्रक आके कार को मार देती है, डैश दे देती है, उसका जो है फरक्शे उड़ा देती है, वो सेम कहानी कल हुई। एक कार वाले को आके ट्रक ने मारा, और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था, लेकिन उसको शायद वो जो करवाया उसको अरेस्ट करे होंगे। लेकिन ये नहीं रुकने वाला इंडिया में, ये शैतान है, ये फिल्मों की वजह से हुआ। और ये फिल्मी एक्टर्स, अब देखो कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ बोले तो उसको एक्शन के तौर पे नहीं लिया। बदकिस्मती है इंडिया की, अब तरक्की नहीं होगी। अब ये जो है खाली इन्हें घूमते फिरते रहेंगे बंदर की तरह, नरेंद्र मोदी। अब एक वो वाइल्ड जंगल का क्या कि एक वो लाना चाह रहा टीवी शोज में, सब कुछ करके देख लिया। अब वो भी एक बाकी था जंगल का, जंगल का आदमी है तो जंगल की कहानी के साथ अब टीवी पे आने वाला है मोदी। अब ये तरक्की के लिए नहीं सोचेगा, ऐसी जो है कभी जो है वो बाहर जाएगा यात्रा बोल के, वहाँ बैठ जाएगा, रेड कारपेट डालेंगे और वहाँ पे कैमरा रखेगा, या फिर कोई दूसरी ममालिक को गया तो उसकी कवर अप करेंगे। लेकिन असल तरक्की जो करना है पैकेज ही उसके पास नहीं है। ये बॉलीवुड की वजह से, हॉलीवुड टॉलीवुड की वजह से इंसान शैतान हो गया, सब्र चला गया। सब्र अल्लाह ताला कह रहा है, सिर्फ हज में बुला के आजमाता है सब्र आपका, आपको सब्र से रहना पड़ेगा पूरे हज तक, आप वो कानून नहीं तोड़ सकते, सब्र की जरूरत होगी। अजहद अशहद नहीं होगी, तुम तो नहीं होगा वहां पे सब्र। अल्लाह सब्र चाहता है, और किसी को आर्गुमेंट नहीं करना है वहां, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टूर लेके गैस वाले को बोले मेरे को खाना ऐसा नहीं दिया आप, अच्छा मेरे को रहने के लिए अच्छा नहीं दिए, ये आर्गुमेंट्स भी नहीं होना अलग। और ताफ में और सही और मरवा के, उसमें सफ़े से मरवा से सही में आपको तकलीफ होगी, कंकरियां मारने की जगह शैतान को तकलीफ होगी, वहाँ आर्गुमेंट्स होंगे, ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, ये असल नहीं रखना है तुम्हारे जिंदगी में वहाँ के दिनों में, अयाम में, हज के अयाम में नहीं रखना है। यही बात बाद में आने के बाद सीखा रहा अल्लाह ताला, जिस तरह रमज़ान की प्रैक्टिस जो है 11 महीने करो बोरा, उसी तरह हज में प्रैक्टिस कर रहा, एक के बाद एक अल्लाह ताला पाए दर पे जो है तुमको ये तरीके दे रहा, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ, जन्नत पा लो। तो सब्र बॉलीवुड में भी नहीं है, रेप और सिर्फ लड़ाई झगड़े की मूवी बनती, कोई नहीं रोकता, एक भी उठ के नहीं बोलता, ना हिंदू ना मुसलमान। ये इतना कई को तुम जो है इंसान को बेदर्दी से मार रहे हैं फिल्मों में, ये ऐसे कई को जो है एडवेंचर थ्रिल बोल के
जो है हैरत अंगेज दम रुके जैसे ऐसे कहानियां क्यों बना रहे, कोई नहीं बोलेगा। हॉलीवुड में भी यही है, हॉलीवुड पूरी दुनिया के अंदर फिल्म भेजता है और पूरी दुनिया में बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन के एक्शनों के रहेंगे, फिर इंसानियत की बात करेंगे। ये शायद तीन शैतान है, हिंदू शैतान है, इस वास्ते बॉलीवुड बर्बाद है, हॉलीवुड शैतान है, क्रिश्चियनिटी बर्बाद है हॉलीवुड की वजह से, अमेरिका, चाइना बर्बाद है उनके एक्शन की मूवीज की वजह से, और ये तीनों शैतान है और इनके पास सबर का सिस्टम नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने बताया, वो बताना है मेरे को ये वीडियो में। अब तुम बोलो कि तुम्हारा राम गंदी जगह से पैदा हो के आया, नहीं मानेंगे। सीता दुर्गा गंदी जगह से आए, नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन को बोलो ईसा गंदी जगह से माँ के आए, नहीं मानेंगे। इनका गुरूर इनको ले डूबेगा। ये दूसरे किताबें चेक नहीं करना चाहेंगे, ना हिंदू ना क्रिश्चियन ना कम्युनिस्ट। कुरान को असल नहीं देखना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा शैतान है। तुम खसारे में हो, तुम पर शैतान है, अल्लाह ताला बता रहा। तुमको सब्र नहीं आएगा। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को सब्र नहीं होगा, मैं तौबा करते रहूँगा। जाने से पहले से तौबा शुरू कर दिया। और अमेरिका के अंदर अभी यहाँ पर एक मंदिर के पुजारी को मारे न्यूयॉर्क के अंदर, तो यहाँ के बड़े बड़े जो जिम्मेदार सियासी नुमाइंदे उसे जाके हमदर्दाना जो है मुलाकात किए और उससे पूछा कि तुम्हें कुछ ज़रूरत है क्या। ये इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये वहाँ का बड़ा शैतान है क्रिश्चियन से भी। लेकिन अमेरिका में यहूदों नसारा थे, फिर भी हिंदू के साथ ऐसा हुआ, वो फौरन गए उसके पास, मिसाल कायम की। अभी ब्रॉन्क्स के अंदर दो आदमी मर गए और कितने की जख्मी हो गए पिछले हफ्ते। कल ब्रुकलिन के अंदर एक आदमी को मार दिया गया, 11 जख्मी हो गए, कल की बात। तो इंसान का जो गुरूर है, उसका अंदर का जो बगज है, उसका अंदर का जो एंगर, उसके अंदर का जो शैतान है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर जीने की तरीक़े सिखाएगा। ख्वाहिश से लूट लो, दुनिया नहीं मिलती छीन लो, ये सिखाएगा। और इस्लाम सब्र कर लो आखिरत मिलेगी बोलेगा। गंदी जगह से आ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मानेगा, क्रिश्चियनिटी चलते रहेगी। गंदी जगह से पूरे हिंदू के खुदा आए, वो खुद बता रहे उसका बाप था, उसका बाप था, उसकी माँ थी ये थी, उसका दादा था ये, उसका बेटा था ये बता रहे, सब गंदी जगह से आने वाले, मैं नहीं मानेंगे। गंदी जिंदगी इंसान को इस वास्ते मिलेगी कि उस पर शैतान है और उसके पास सब्र नहीं है, और वो तहकीक करके तलाश करके अल्लाह को नहीं पाना चाहता। इस वास्ते ये बहुत बड़ा जो है इंडिया में भी तूफान उठाया है मॉब लिंचिंग का, और हिंदू ही ज़्यादा मर रहे उसमें, मैं जो तजुर्बा देखा। और कोर्ट जो है ईवीएम की बात को रिजेक्ट कर दिया, तलाक ने जो है पास कर दिया बिल को, तो अब अंदाज़ा करो कि मुसलमान जीने का वहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ सब्र से जीना है, और उसको इनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है, मर मर के जीना है। इंडिया में, अमेरिका के अंदर तुम आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो, सूरह यासीन पढ़ के निकलो, इंडिया में आयतल कुर्सी और यासीन से तुम्हारा हिफाजत होगी। ये मेरा बड़ा पैगाम है। और मैं हज पे जा रहा हूँ, मेरे पास सब्र नहीं है और मुझसे सब्र नहीं होगा, मुझे मालूम है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और तौबा करूँगा, माफ़ी मांगूँगा, दम दूँगा, नुकसान भरपाई करूँगा, और मैं वापस होने से वक्त भी दुआ करूँगा अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ और वहाँ हालात बुरे हो ये मैं इंसान को देख रहा हूँ। वो नहीं बदल सकते अपनी ज़िंदगी, ना हो जिसको अपनी फिक्र, अल्लाह नहीं बदलता उनकी तकदीरें। अल्लाह हू अकबर।